हैं जो कि आगे इन्होंने जो गाड़ी जिसके थ्रू बेची है, वो लोग ऐसे हैं जो कि फिलहाल गिरफ्तार तो नहीं हुए, लेकिन वो कब्जा माफिया से रिलेटेड लोग हैं। इसमें कुछ उसमें भी पुलिस बहुत जब हाथ हाथ डाल रही है, क्योंकि मुख्तलिफ थानों में आयताबाद और पिश्तखाना इन थानों में उन पर मुकदमा दर्ज हैं कब्जा माफिया के। जिस तरह मैंने बताया कि हमारी जो अभी सरसरी अभी तफ्तीश हुई है इसमें, तो उसमें ये है कि जो मुलजिम है कमर, ये 2020 के जो वहाँ पे एक्ट्रेस थी सबा गुल, उसके कत्ल में भी मुलविस हैं और पी ओ है उसमें, और मफरूर था ये। मुख्तलिफ जगहों पर ये जो है तो रिहाइश रखता था, ख़ासतौर से बेरिया टाउन में इसका मस्कन था, वहाँ पर ये ज़्यादातर वहाँ पर रहता था, और बकौल उसके कि वो वहाँ पर मोबाइल फ़ोन्स जो है तो उनकी खरीद वरों का काम करता था और उससे अपना गुजर बसर करता चलाता था। बाकी अगर किसी केसेस में हैं तो हम तमाम थानों के साथ इसको शेयर कर रहे हैं इन चीज़ों को, तो जिन जिन केसेस में इनकी कोई इन्वॉल्वमेंट होगी वो भी आप सबके सामने चलता है। रिकवर हो चुकी है, मुलजमान तीनों पुलिस ने अरेस्ट किए हैं। इसके अलावा इस जो गाड़ी जिस पे आगे बेची गई थी जिन बंदों पे, वो बंदे भी पुलिस ने अरेस्ट किए हैं। और इसमें जो है तो हम मुख्तलिफ इस तफ्तीश का दायरे अख्तियार हमने थोड़ा वसी किया है, क्योंकि इसमें कुछ सिम नंबर मोबाइल नंबर इसमें यूज़ हुए हैं, वो भी हम आइडेंटिफाई करें कि कौन कौन इसमें बाकी जो है इन्वॉल्व हैं। तो हाँ, एक चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करते चलूँ, इसमें जो मेन एक्यूज है हमारे साथ कमर, कमर ने ना सिर्फ इस मुकदमे में जो है तो असदुल्ला मुनीर को कत्ल किया है, बल्कि इसके अलावा 2010 में 2020 अप्रैल 2020 में खजाना के इलाके में सबा गुल एक एक्ट्रेस थी जिसको इन्होंने कत्ल किया है, ये भी उसका मेन एक्यूज है। तो ये तमाम अफराद जो है तो पुलिस की हिरासत में हैं, बाकी जो भी इसमें पेशरफ होगी उसे आप तमाम दोस्तों का सर ये बताइए तफ्तीश का।